चाहते हैं कि अगर हम इस एमसीबी को सॉर्ट करते हैं तो ये क्या ट्रिक होती है नहीं होती है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह की नई नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए चलते हैं सोलर के पास, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा सेटअप दिखा देता हूँ। ये मेरा इन्वर्टर का ट्यूबलेस बैटरी है 150 Ah का, और ये माइक्रोटेक इन्वर्टर। यहाँ पर हमारा RMPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और ये इसकी केबल है। तो पहले हम केबल रिमूव कर लेते हैं दोनों, इसको हम रिमूव कर लेंगे। दोस्तों ये हमने रिमूव कर ली केबल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जितनी केबल चाहिए उस हिसाब से हम काट लेंगे। तो हमें यहाँ पर जिस हिसाब से केबल चाहिए थी वो हम कट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने केबल ले लिए। तो दोस्तों ये दोनों केबल मैंने कट कर लिए और आप देखेंगे तो ये रेड केबल है और ये ब्लैक। तो ये दोनों की सप्लाई अभी ऊपर से चालू है, अभी सोलर के साथ ये कनेक्ट है। दोस्तों इसकी एक खास बात क्या होती है कि आप दोनों को एक साथ इस तरह से पकड़ सकते हो, ये प्लस ये माइनस मैंने एक साथ पकड़ ली। डीसी में ये बेनिफिट रहता है हमारे लिए काम करने के लिए, लेकिन एसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एसी सप्लाई में अगर आप दोनों को एक साथ पकड़ोगे तो आपका राम नाम सत्य है। इसको क्या करेंगे, हमारी जो एमसीबी है इसमें लगाएंगे। इसमें क्या होगा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लाइन दिख रही है लिखी हुई, तो यहाँ पर हमें लगानी है, प्लस लगेगी यहाँ पर माइनस लगेगी। ये प्लस केबल लगा दी मैंने और ये माइनस की भी ऐसे टाइट फिट कर ली, ठीक है। ये दोनों हमारी लग गई। अब हम क्या करेंगे, लोड यहां से लोड निकल रहा है तो यहां पर हमें एक जो हमने टुकड़ा लगाया है अभी उसको भी हम यहां पर इंसर्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा लग चुका है अभी एमसीबी और यहां पर हमने इसको ऑन नहीं किया है। तो हम एमपी भी चेक कर लेते हैं कि ऊपर से हमारे जो एमपी आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो मैं इसको एमपी से सेट कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं रेड में रेड लगाकर। तो देखिए दोस्तों 17 Ah ऊपर से हमें मिल रहा है, इसको ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि बहुत हीट होता है केबल, ठीक है। अब इसको 1 सेकंड के लिए लगाइए क्योंकि ये बहुत हाई पावर आता है। अब देखेंगे हम इसको ब्रेक करके क्या आता है क्या होता है, ये एमसीबी ट्रिप होती है नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर स्पार्क हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, स्पार्क हो रहा है लेकिन ये ट्रिप नहीं होगी। क्योंकि ये ट्रिप इसलिए नहीं होगी, इसके ऊपर अगर 32 Ah से ज्यादा का हाई वोल्टेज आता है और दोनों शॉर्ट सर्किट होते तब होगा ये। और ये डीसी में एसी में आप किसी में भी लगा लो, ये अभी सॉरी डीसी एमसीबी या एसी एमसीबी आप इसमें सोलर में कोई भी लगा लो ट्रिप नहीं होगी। ये हम सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। अब दोस्तों एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसको आप किस तरह से बॉक्स में फिट करोगे। अगर आप पहली बार इसको लगा रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होगा। तो ये आपको जो सिस्टम दिख रहा है इस तरह से आपको कुछ इसको ऊपर का हिस्सा है इसको आप पहले ऊपर से इस तरह से बिठा लीजिए और नीचे नीचे आपको लॉक दिख रहा है, लॉक को आप पहले बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, ये वाला हिस्सा है इसको आप पहले ऊपर से ऐसा माउंट कीजिए। ये नीचे आपको लग गया, इसको एग्जैक्ट इस स्विच को आपको धक्का दे देना है, ठीक है। तो ये जैसे आप धक्का दोगे तो यहाँ पर देखिए आ गया लॉक, ठीक है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो होल लगाने हैं तो आप इसको सिर्फ पकड़ की मदद से भी आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे दो तार के लिए इनफ लिया, हमारा काम हो चुका है। तो ये हमारी एमसीबी हो गई है लॉक। तो दोस्तों इस तरह से हमारी एमसीबी लग चुकी है। हम क्या करेंगे, थोड़ा एक एक करके दोनों केबल को स्पार्क कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों केबल है वो आ चुकी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही हम दूसरी केबल है उसको भी यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये हमारे केबल लग चुकी है, हम करेंगे एमसीबी। और देखिए यहाँ पर सोलर स्टार्ट होने में कितना समय लेता है। तो ये हमारे सोलर पैनल के ऊपर लाइट आ चुकी है, मतलब सोलर कनेक्ट हो चुका है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कितना हमें लोड मिल रहा है। 85.7 kW का
सेविंग कर लिए। ये यहाँ पर 100 है 65 रुपीस में, 40 एम्पीयर तक का सपोर्ट करता है ये आरएमपीपीडी चार्ज कंट्रोलर। और बैटरी अभी हमारी 14.47 वाट से चार्ज है और 1.1 एम्पीयर बैटरी जा रहा है, बैटरी ऑलमोस्ट फुल है इसलिए। और हम घर पे अभी कोई ज्यादा लोड चला नहीं रहे, सिर्फ एक लाइट एक पंखा चालू होगा, इसलिए हमारा 0.8 एम्पीयर अभी हम लोड ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बाकी का यूज नहीं हो रहा है। 17 एम्पीयर हमने चेक किया था मल्टीमीटर से, 17.5 एम्पीयर मिल रहे थे दोपहर के समय। दो पैनल लगे हुए 165 वाट की। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू।